तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया तो मेरा दिल को पवन देंगे जिसको है इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए मजबूर मुझे उसने बुलाया किसी की जान को जाते हुए देखा है वो झूमे चंद्रमा चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए मेरे मन की गंगा ।1965 में दोस्ती को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चुना गया। फिल्म दोस्ती को दिया गया राष्ट्रपति का सिल्वर मेडल। दूसरी बेस्ट फिल्म के लिए फिल्म यादें को चुना गया। उसको दिया गया राष्ट्रपति का मेरिट सर्टिफिकेट। तीसरी बेस्ट फिल्म का मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया फिल्म गीत गाया पत्थरों ने को। गीत गाया पत्थरों ने ।1965 में दोस्ती को मिले 7 नॉमिनेशन और उसने जीते 6 अवार्ड। राज कपूर की फिल्म संगम को मिले 11 नॉमिनेशन। बेस्ट टाउन डिजाइनर का फिल्म फेयर दिया गया अलाउद्दीन को फिल्म संगम के लिए। बेस्ट एडिटर का फिल्म फेयर दिया गया राज कपूर को फिल्म संगम के लिए। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी कलर के लिए फिल्म फेयर दिया गया कृष्णा राव वाशिरदा को। देखो मैं एक डॉक्टर हूं। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म सिनेमाटोग्राफी के लिए अवार्ड दिया गया मार्शल ब्रिगेंजा को फिल्म वो कौन थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के लिए आर्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर दिया गया जीएल यादव को फिल्म कोहरा के लिए। देखिए ना आप लोग आप यूथ एसोसिएशन की तरफ से सिर्फ एसोसिएशन ही नहीं तमाम नौजवानों की तरफ से दूसरों के मुकाबले में हमारा हक ज्यादा है आप पर। बेस्ट आर्ट डायरेक्टर फॉर कलर फिल्म्स दिया गया संत सिंह को फिल्म जहान आरा के लिए। वो बयान से बाहर है। लता मंगेशकर को नॉमिनेट किया गया संत ज्ञानेश्वर के लिए। मुकेश को नॉमिनेट किया गया फिल्म संगम के लिए दोस्त दोस्त ना रहा। मोहम्मद रफ़ी को मिला बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड। बेस्ट गीतकार की कैटेगरी में भरत व्यास को नॉमिनेट किया गया फिल्म संत ज्ञानेश्वर। दूसरा नॉमिनेशन मिला शैलेंद्र को दोस्त दोस्त ना रहा फिल्म संगम। 1965 के बेस्ट गीतकार का फिल्म फेयर दिया गया मजरू सुल्तानपुरी को फिल्म दोस्ती। फिल्म संगम के लिए शंकर जयकिशन को मिला पहला नॉमिनेशन। दूसरा नॉमिनेशन मिला मदन मोहन को फिल्म वो कौन थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जीता फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म दोस्ती के लिए। बेस्ट डायलॉग्स के लिए फिल्म फेयर दिया गया गोविंद मुनिस को फिल्म दोस्ती।
पैसा नहीं, रोजगार नहीं। माँ तो सिर्फ ये चाहती है कि वो अपने बेटे पर गर्व कर सके। गरीब बेस्ट स्टोरी के लिए बानी भट्ट को फिल्म फेयर दिया गया, फिल्म दोस्ती के लिए। ये सब मुसीबतें झेल कर ही तुझे आगे बढ़ना है। याद रख, जितनी ही बड़ी बाधा होगी उसे पार करने में उतना ही गौरव है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए शशिकला को नॉमिनेट किया गया, फिल्म आई मिलन की बेला। दूसरा नॉमिनेशन मिला ललिता पवार को, फिल्म कोहरा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर जीता निरूपा रॉय ने, फिल्म शहनाई के लिए। नहीं तो वो तो इसीलिए दो दिन से स्कूल नहीं आया। स्कूल नहीं आया? हाँ। तो फिर जरूर कहीं कहीं खेल रहा होगा। चलिए मास्टर जी, आज आपके सामने उसे पूछती हूँ। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया राजेंद्र कुमार को, फिल्म संगम के लिए। दूसरा नॉमिनेशन मिला धर्मेंद्र को, फिल्म आई मिलन की बेला। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया नाना पलसीकर को, फिल्म शहर और सपना। राजेंद्र कुमार को नॉमिनेट किया गया बेस्ट एक्टर के लिए, फिल्म आई मिलन की बेला। दूसरा नॉमिनेशन मिला राज कपूर को, फिल्म संगम के लिए। लेकिन बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया दिलीप कुमार को, फिल्म लीडर के लिए। उम्र यही कोई 9-10 बरस? जी हाँ। रंग बिल्कुल आप जैसा गोरा गोरा? जी हाँ जी हाँ, एकदम गोरा। और इधर ये बाई आंख के नीचे काला लगती है? जी नहीं, दाई तरफ। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए माला सिन्हा को नॉमिनेट किया गया, फिल्म जहानारा। दूसरा नॉमिनेशन मिला साधना को, फिल्म वो कौन थी। वैजयंती माला ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म संगम के लिए। सत्येन बोस को नॉमिनेट किया गया बेस्ट डायरेक्टर के लिए, फिल्म दोस्ती। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब को मिला दूसरा नॉमिनेशन, फिल्म शहर और सपना के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया राज कपूर को, फिल्म संगम के लिए। बेस्ट फिल्म के लिए संगम को नॉमिनेट किया गया। दूसरा नॉमिनेशन मिला शहर और सपना को। बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर दिया गया दोस्ती को। क्या हुआ रामू? किताब देख रहा हूँ, अलजेब्रा की है, यही मेरे क्लास में चलती थी। ए, क्या करता है, है? है? चुराने का इरादा है क्या? चल भाग, चल। ऐसा क्यों कहते हो भाई? मेरे कोर्स की किताब है। कोर्स की किताब है? चोटा कहीं का, चल।